तो भाई साहब ये रही मेरी रसगुल्ला चाय। जी हाँ, रसगुल्ला चाय, और ये काफी पॉपुलर है मतलब कि कोलकाता के अंदर। अब इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो ये देखो भाई साहब, ये बन रही है जी हमारी चाय, ठीक है जी। और ये रहे हमारे भैया जी, क्या हाल है भैया? और मेरे को ये बताओ कि यार ये रसगुल्ला टी का कहाँ से आया आइडिया? कुछ नहीं, एक दिन हम जा रहे थे रात में, रसगुल्ला गरम गरम बन रहा था बंगाल में, तो ये कल्चर है रसगुल्ला। तो देखा कि गरम रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है, तो चाय भी गरम था, हम सोचा दूध का प्रोडक्ट एक बार डाल के देखते कैसा बनता है। फिर वो डाले, देखे कि अच्छा टेस्ट आ रहा है। उसके बाद थोड़ा वायरल हुआ, फिर आदमी आके टेस्ट किया, बोला बहुत अच्छा है। तो फिर एक काम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअली ये बनता कैसे है। अच्छा ठीक है। तो ये देखो भाई साहब, ये अब तैयारी शुरू हो गई है रसगुल्ला, दिखा ना भैया रसगुल्ला। ये है भाई रसगुल्ला जो आपको दिख रहा है, और ये रहा, और ये आ गया जी हमारा रसगुल्ला गिलास के अंदर। भाई साहब मतलब ये देखो, एक्साइटेड फॉर दिस वन। रसगुल्ले वाला चाय आपने कभी पिया जिंदगी में? अभी इसमें चाय जाएगा? हाँ चाय जाएगा, और नॉर्मल चाय जाएगी। इस चाय के अंदर क्या शुगर एडिड है या नहीं? चाय के अंदर शुगर एडिड है, फिर भी आपको मिठास ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। यही ट्रिक्स है। अच्छा चलो भाई, भैया की ट्रिक है, देयर आर सम सीक्रेट्स आल्सो जो उन्होंने डाला है इसमें ऑलरेडी। तो हम बोलिए, एक बार अपनी शॉप की जरा नाम बता दो। मेरा शॉप का नाम है चुमू का चोमा, और ये बंगाली नेम है, इसका मतलब है वंडर सिप, और टैगलाइन है परफेक्ट टी डेस्टिनेशन। एड्रेस है आपका साउथ सिटी मॉल के पास में, कोई भी आएगा साउथ सिटी मॉल के पास वाला गली पे जो फुलताना वो रिसेप्शन स्टैंड है उसका जस्ट अपोजिट। कोई हॉलीडे रहता है? हॉलीडे कोई नहीं रहता, 365 x 7। ओ रसगुल्ला के अंदर गया भाई चाय, ये देख रहे हो, ये रसगुल्ला के अंदर चाय चला गया। अभी हम आप देखिए, आपको जो ट्रिक्स दिखा रहे हैं रसगुल्ला उठ के आ जाएगा। ये रसगुल्ला आ गया, ये रसगुल्ला चाय आ चुकी है, देख रहे हो भाई। कम्स द अदर वन, और भाई रसगुल्ला ना ऊपर आ गया। हां हाउ यू टेस्ट द टी? ये रसगुल्ला, अब मुझे ये बताओ पहले भैया कि इसको रसगुल्ला में चाय है कि चाय में रसगुल्ला है? ये रसगुल्ला में चाय है, चाय में रसगुल्ला है, दोनों ही है। अच्छा इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 30 rupees सर, 30 rupees ओनली 30 rupees। क्या बात है। तो भाई लेट्स सी टेस्ट दिस गाइस, लेट्स सी कि ये वायरल कंटेंट जो है ये वर्थ इट है कि नहीं। यस, तो भाई साहब ये रही मेरी रसगुल्ला चाय। जी हाँ, रसगुल्ला चाय, और ये काफी पॉपुलर है मतलब कि कोलकाता के अंदर। अब इसको मैं ट्राई करने वाला हूँ कि कैसा टेस्ट है। तो भाई आ गई है मेरी रसगुल्ला चाय, ये देखो भाई। पहले मैं आपको जरा एक बार रसगुल्ला दिखा रहा हूँ, उठाते ये, ओहो ये रसगुल्ला है जो कि बंगाल का, मतलब कह रहा ना कि दिल है दिल। जी हाँ, ऐसा कोई बंगाली नहीं होगा जो शायद रसगुल्ला नहीं खाता होगा, और रसगुल्ला चाय मतलब सोचा नहीं था मैंने वैसे कभी कि मैं रसगुल्ला चाय कभी लाइफ में पीऊँगा, बट लेट मी टेस्ट इट। चाय का टेस्ट जो है ना वो वाकई में अच्छा है, मतलब कि रसगुल्ला डलने के बाद भी ऐसा लग रहा है, पहले मेरे को लगा था कि बहुत ज़्यादा मीठा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। अब ये समझ लो कि मैं चाय फ्लेवर्ड रसगुल्ला करूँ एक्चुअली में, चाय फ्लेवर्ड। अब मैं ज़रा एक बड़ा बाइट भी लेके देख लेता हूँ कि कैसा टेस्ट है रसगुल्ला का। मेन चीज तो रसगुल्ला है ना इसके अंदर, ये देखो, एक्चुअली गुड। भाई मतलब ट्रस्ट मी, नाम बड़ा वियर्ड है रसगुल्ला चाय, बट टेस्ट बहुत बढ़िया भाई। बंगालियों का प्यार रसगुल्ला और चाय दोनों एक साथ, अभी भी आप यहाँ पे आए ना इसको ट्राई करना, और हमें बताना कैसा लगा टेस्ट।